वेलकम बैक गाइज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो गाइज आज हम बात करेंगे ज़रा हट के ज़रा बच के मूवी के 14 डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ गाइज, तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस मूवी को जो है कि 2 जून को रिलीज़ किया गया था बॉक्स ऑफिस पे, और वैसे ऑडियंस की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि ये मूवी कुछ ज़्यादा अच्छा कलेक्शन करेगी, क्योंकि बॉलीवुड की ज़्यादातर जो मूवी हैं वो अभी के दौर में जो है कि फ्लॉप ही चल रही हैं। आपको पता ही है ये बहुत अच्छे से, क्योंकि बॉलीवुड का जो दौर है वो भी ख़राब गुजर रहा है। बट इस मूवी ने जो है कि कहीं तक जो है कि उस चीज़ को परिवर्तित कर दिया, जैसे कि पठान मूवी ने किया था पिछले कुछ दिनों पहले। तो अब हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में। तो भाई इस मूवी का जो बजट है वो आपको पता ही है कि 45 करोड़ है। और बात करें इस मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने जो है कि पहले दिन यानी कि कमाए थे 5 करोड़ 49 लाख रुपए। जी हाँ गाइस, लगभग 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया था इसने अपने पहले दिन। वहीं अगर बात करें इस मूवी के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दूसरे दिन भी इस मूवी ने जो है कि 7 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था। तो अगर बात करें तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो तीसरे दिन संडे को इस मूवी ने लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन किया। और इसी के साथ साथ अगर इसके जो है कि फर्स्ट वीकेंड का जो कलेक्शन जो रहा था वो रहा था 37.5 करोड़। जी हाँ गाइस, 37.5 करोड़ का इसने कलेक्शन किया था फर्स्ट वीकेंड के वीकेंड पे। और जो है कि इसके अगर टोटल यानी कि जो 12 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर जो है कि हम काउंट करें तो वो हो चुका है यानी कि 58 करोड़। जी हाँ गाइस, 58 करोड़ और जो है कि 50 लाख के करीब कुछ। तो अगर आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें और यानी कि 13वें दिन का, तो 13वें दिन भी इस मूवी ने जो है कि लगभग कलेक्शन किया था 2 करोड़ का। जी हाँ गाइस, तो इसका जो कलेक्शन हो चुका था वो हो चुका था 60 करोड़। बात करें आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आज भी ये मूवी जो है कि लगभग 1.5 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। जी हाँ गाइस, लगभग 1.5 करोड़ का, जिससे कि इसका जो टोटल यानी कि जो इंडिया नेट कलेक्शन जो है 14 दिन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 61.5 से 62 करोड़। जी हाँ गाइस, हम मान के चलते हैं कि ये मूवी जो है कि आज जो है कि 2 करोड़ का भी कलेक्शन कर सकती है। तो जो है कि बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन पे मेरा जो प्रेडिक्शन है वो आज का है 2 करोड़ रुपये। और इसी के साथ इसका जो कलेक्शन हो जाएगा टोटल 14 दिनों का वो हो जाएगा 62 करोड़। जी हाँ गाइस, 62 करोड़ का ये बेहतरीन कलेक्शन कर चुकी होगी और एक बॉक्स ऑफिस पे हिट मूवी साबित हो चुकी होगी। और भाई बात करें यानी कि आगामी दिनों के बारे में, तो आपको पता ही है कि आदि पुरुष आ रही है, वहीं पे आते समय ही इस मूवी का जो है कि खात्मा स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है, आपको पता ही है कि आदि पुरुष का जो है कि एक सुनामी आएगी, और जिसमें कि जरा हट के जरा बच के ही नहीं बल्कि सारी इंडियन नहीं हॉलीवुड बॉलीवुड सारी मूवी जो है कि वो जो है कि उसके फिल्मों में बह जाएंगी, और जो है कि आदि पुरुष जो है कि आगे निकलेगी। और भाई इसके लिए मेरे को लगता है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो यहीं पे रुक जाएगा। आपको क्या लगता है गाइस, कि मूवी आदि पुरुष के आने के बाद भी क्या कुछ कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। और वैसे आपको इसमें जो है कि सारा अली खान और विक्की कौशल सर की अगर एक्टिंग पसंद आई है, तो भाई इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली ये होगी सारी अपडेट्स मिल सकें।